रांची के मांडर इलाके में एक मौलाना ने अपने ही मदरसे में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया। मौलाना के द्वारा लगातार यौन शोषण से छात्रा गर्भवती हो गई, तो ये मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा की मेडिकल जांच कराकर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। पीड़ित द्वारा थाने में दिए गए बयान के मुताबिक बकरीद के दिन नमाज अता करने के बाद मौलाना उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसने इस घटना को किसी से न बताने की धमकी भी दी। इसके बाद आए दिन वह उसके साथ दुष्कर्म करने लगा और धमकी भी देता था। इसी बीच वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद मौलाना उसे अस्पताल ले गया, जहां उसे 2 दिनों तक कई दवाइयां खिलाई गई। दवा खाने से उसकी तबीयत जब बिगड़ने लगी तो किशोरी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। पुलिस के मुताबिक आरोपी मौलाना शाहिद अंसारी ने गर्भवती होने के बाद पीड़िता का गर्भपात करा दिया था और लड़की के घर वालों से समझौता करने की भी कोशिश की। इसके चलते पुलिस को देरी से इस मामले की जानकारी मिली। आपको बता दें कि इस घटना से पहले भी मौलाना शाहिद पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पैसे देकर हर मामले को दबा दिया जाता था। न्यूज़ डेस्क।